एक वोट मांगेगी आप रे पाड़े धन माया नहीं मांग दी है जमीरो बंटवाड़ो नहीं मांग दी मू एक वोट मांगे रही हूँ अण वास्ते आ मारे ओढ़िया नी अन्नी लाज आपने राखनी है। राम राम सा आज अन कार्यक्रम में उसमें हने भुलाई और बाबजी रा दर्शन करवाने मारो सौभाग्य मने मळ्यो तो बाबजी रे चरणों में वंदन। रही बात हमें वो एड़ो समय है कि एक चुनावी समय है 25 तारीख ने चुनाव है आप सब लोगों ने और होने भी ध्यान है कि 25 तारीख ने चुनाव है ऑपरेटे पार्टियों की कांग्रेस और बीजेपी पार्टी रा भी अलग अलग कैंडिडेट आया है। मो बीजेपी री बात करूं माफ जी मो बीजेपी थी जुड़ी उड़ी हूं अण क्षेत्र दी और अण गांव दी वो मारो पीर है एक पीर है मारो सिराणा और सांगाणा एक पीर है। अठे मने 2015 ती मने जिला परिषद बनाई और आप रे सब रे आशीर्वाद थी और एक वोट रे ताकत थी मने अटाती बहुत भारी मतों थी जीतावीन मने जिला परिषद में भेजी और जो मारो जत्रो भी मारो आपने ध्यान है कि जिला परिषद में कोई यत्रो बजट बजट नहीं बैठो है जिला परिषद मेंबर और डेलीगेट में ठीक इस वे आपने अटे रोमारोम जी भी बैठा है तो जत्रो भी आप सब लोगों ने ध्यान है एक एक अटे मने ओल्ड एरिया है जने भी मने कभी भी कॉम बढ़ाई 24 घंटों में मारो फोन चालू रही और जो भी मारो कॉम काज मारे लायक भी हो एड़ो मैं आपने कॉम करीन बतायो हमें आपने हाथ जोड़ी विनती करूं। मैं 2018 में भी टिकट मांगी बीजेपी थी अच्छी तैयारी की थी और हमें 2023 में जरा आश्वासन दी तो मने की 2023 में आपको मौका देंगे लेकिन इस बार भी किस कारणवश से मेरा टिकट कट गया तो एक 36 कौम की भावना थी ये जो बड़े बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य और मेरे युवा भाई बैठे हैं इनकी भावना थी कि बीजेपी का कैंडिडेट पवनी मेघवाल हो ठीक नहीं थी ये आप और सब लोग बिराजे हुए सब जानते हैं लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो आप 36 कौम की भावना के अनुसार 25 तारीख को बाप जी बैठक रखी पूरी जालौर विधानसभा की उसमें 1500 से 2000 लोग आए और उन्होंने मिलकर मेरे को बुलाया मैं वहां गई उसके बाद उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो कह रहे हैं वो आपको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप कहो तो मुंह कटे जाओ 36 कौम कह तो मुंह कटे जाओ बने गियो के मोरी आई से भावना है कि मोरे 36 कौम रे भावना रे अनुसार हमके बीजेपी टिकट नहीं दी दो है अण वजह थी मैं आपने निर्दलीय खड़ा करे रिया हूं तो वने बात की थी मैं होबड़ी मने मैं भी मन में विचार की दो मिनट होशियो कि भाई सही है गलत है भविष्य है वो देखना पड़े सब वो सब देखियो और पछे मैं ने जवाब दी दो जो आप 36 कौम कह रिया हो वन्नी भावनाओं ने मोनी ठुकरा वेगो आप रे कहना थी 36 कौम रे कहना थी मैं निर्दलीय 4 तारीख ने फॉर्म भरियो और आप रे आशीर्वाद थी और आप रे एक वोट रे ताकत थी यदि मने विधानसभा में भेजो तो 30 साल रो विकास और 5 साल रो विकास आप तुलना नहीं करेगो कि 30 साल तो आपे वोट दीदा वे कण दिशा में गया और 5 सालों पे वोट दीदा वे कण दिशा में गायला और जालौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में बात जी आपने अतो कहना साहो कि क्षेत्र के विकास अन क्षेत्रों विकास से बहुत पिछड़ी उड़ो है हर क्षेत्र में और पे सब किसान हो मो भी एक किसान री बेटी हूँ और घरे जाए भी वो खेती बाड़ी कर रही हूँ वो तो ये ठीक है राजनीति जरियो जरे जा रही है मीटिंग और घरे जाए पे खेती बाड़ी से और आप सब लोग भी खेती बाड़ी कर रही हो अन किसान और 30 साल लो पौड़ी रो जो हक है आज 50 साल भी आ आज दिन तक वो पे जन आदमी ने विधानसभा में रेगुलर भेजे रिया आप और मारे वोट रे ताकत थी वन आदमी आज दिन तक विधानसभा में जाए वो पौने रो मुद्दो नहीं उठायो लेकिन बाप जी आपने आश्वासन दे रहा हूँ कि यदि अण जनता रे ताकत थी यदि भूपरी जीती तो अण आपने आवा वाला 12 महीनों मेर में जवाई रो पौनी मो लावे बताओ आप रे एक वोट रे ताकत थी यदि आप मारे माते विश्वास की दो तो वो आपने विश्वास दे रहा हूँ कि अण जवाई रो पौनी
30 साल में नहीं आयो है वो एक पांच साल में मु करे बताओ दो साल रो मने टाइम पीरियड दे जरो दो साल में मो यदि पौने ने लाऊ तो मने थे ओण बो दे जो के पमनी वन टाइमरी तो वटे बावसी ने छन्नो में भी तू कहती थी लेकिन वो पौड़ी क्यों नहीं आयो। रही बात विकास रे क्षेत्र में अटारी बहुत विकास पिछड़ी उड़ो है किसानों रे आना सालों में मतलब किसान अतरो परेशान है कि हद ज्यादा है। फोन करो एमएलए साहब ने, एमएलए साहब कहेगा तो ईएनजीएन का काम है, ट्रांसफर मेरा काम नहीं है, फार्मर मिलना ये तो ईएनजीएन का काम है। अपन लोगों ने मिलके किसको जिताया है, किसको वोट दिया है आप और हम सब जानते हैं। तो उनका काम है कि जिस आदमी को अपन विधानसभा में भेजते हैं तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग तो जा नहीं पाते विधानसभा में लेकिन एक आदमी को भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस जनता का सुख दुख में जो साथ नहीं देता वो नेता नहीं होता है। उसके बाद में वो उनका घमंड देखो ऊपर से कि घमंड में तो वो फिर अलग ही है। तो आप सबों ने 25 तारीख ने जरे भी वोट करो, जरे होशे हमजे निकल जो और एक का विचार कर जो कि मु आप रे गोमरी दीकरी हूँ, अटारी फिरोणा होंगणो कोई दूर नहीं है, आप रे गोमरी दीकरी हूँ और अण वास्ते आप रे पाड़े एक वोट मांगे रही हूँ, आप रे पाड़े धन माया नहीं मांगती है, जमीरो बंटवाड़ो नहीं मांगती मु एक वोट मांगे रही हूँ अण वास्ते आ मारे ओढ़िया नी अन्नी लाज आपने राखनी है और अण शब्दों रे हाथे मारी वाणी ने विराम दो और आ जीत वेला आ जीत मारी जीत नहीं है आप 36 को मां बेटोड़ो री जीत है। तो अणी शब्दों रे हाथे मारी वाणी ने विराम दो। जय बाजी।